मॉर्निंग स्टूडेंट्स, थर्ड क्लास, आपका जो लेसन नंबर 1 एसएसटी में लेसन नंबर 1 जो बच्चों करा गया था, जिसका नाम है ब्रह्मांड तथा पृथ्वी। ब्रह्मांड तथा पृथ्वी, ये लेसन नंबर 1 आपका पहली वीडियो में कंप्लीट करा दिया गया। आज इसके जो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज हैं वो आपको वीडियो के माध्यम से भेज रहे हैं। ये लेसन नंबर 1 है, थर्ड क्लास है, और ये पहली वीडियो में आपको पढ़ा करके वीडियो से भेजा था। अब इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कंप्लीट अब आपको करा दी जाएंगी। सभी बच्चे ध्यान से वीडियो देखते रहें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को, उनको सब्सक्राइब करें, जिससे पहले बनने वाली वीडियो आपके पास बच्चों पहुँचे। यहाँ से शुरू करते हैं, ये कम्प्लीट आपको करा दिया गया था, अब आपका चलता है। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें, बच्चों ये याद रखने योग्य जो महत्वपूर्ण बिंदु होती हैं, बातें होते हैं, ये इसी लेसन में से आपको दी गई हैं। ये रिवाइज होता है कि हमने इन चीज़ों को इस लेसन के अंदर पढ़ लिया है, एक बार फिर रिवीजन आपका करा दिया जाएगा। हम सब जिस ग्रह पर रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं, ठीक है बच्चों? क्योंकि पृथ्वी पर रहते हैं, तो ये आपने अभी पढ़ा है कि हम पृथ्वी पर रहने वाले जीव हैं, तो जिस ग्रह पर हम रहते हैं वो पृथ्वी। पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होता है, आप पढ़ चुके हैं। पृथ्वी के चारों ओर लगभग 400 किलोमीटर मोटी जो वायु की परत है उसको वायुमंडल कहा जाता है। ये हमारे चारों तरफ का जो खाली जगह है जिसको हम देखते हैं, इसी वायुमंडल के अंदर अब सांस लेते हैं, इसी वायुमंडल में हम रहते हैं। तो बच्चों ये हमारा जो वायुमंडल है ये लगभग पृथ्वी से 400 किलोमीटर तक होता है। इसके ऊपर जब पहुँचेंगे तो वो अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, ये 400 किलोमीटर का है। नेक्स्ट है, इसमें हमने लेसन में पढ़ा है सूर्य गर्म गैसों का एक बड़ा गोला होता है, ठीक है? अंतरिक्ष से सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में घूमने वाले पिंड ग्रह कहलाते हैं। अंतरिक्ष से जो हैं सूर्य के चारों ओर जो घूमते हैं, सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है किंतु ये भी हमें घूमता हुआ क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, क्योंकि पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, पृथ्वी गोल है, ऐसा आपने इस वीडियो में पढ़ा है। तो सूर्य के चारों निश्चित कक्षा में घूमने वाले जो पिंड हैं उनको ग्रह कहते हैं, और वो 8 ग्रह हैं जिसमें पृथ्वी भी एक ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। ये आपका यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? बच्चों ये पहली वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर आसानी से इसमें मिल जाएंगे। मैं आपको एक बार फिर दिखा दूं, सौर मंडल हमारे ब्रह्मांड में सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह हैं जिन्हें सौर मंडल कहते हैं, ठीक है? और ये जो 8 ग्रह हैं कौन से हैं? सौर मंडल के 8 ग्रहों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण में से पृथ्वी भी एक ग्रह है। यहाँ तक आपको ये करना, ये सब सौर मंडल, यहाँ से बच्चों यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? आप आसानी से लिख सकते हैं, हेडिंग में आप देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति, तो सूर्य से लेकर के यहाँ से, और इसको लिखा जा सकता है यहाँ से यहाँ तक। आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, पृथ्वी पर अमीबा के बाद किन किन जीवों की उत्पत्ति हुई? पृथ्वी पर अमीबा के बाद आपको दिखाई दे रहा है अमीबा जैसे जीव पैदा हुए, अमीबा से विकसित होकर जलचर, जल में रहने वाले उभयचर, जल और पृथ्वी दोनों पर रहने वाले स्तनधारी, अर्थात जिनको हम बड़े जीव कहते हैं, जीवों की उत्पत्ति हुई है। तो ये सभी आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो इनको आप आसानी से देखें और पढ़ें सभी क्वेश्चनों को। पृथ्वी के सिरों को क्या कहते हैं? बच्चों पृथ्वी के सिरों को ध्रुव कहते हैं, और दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? बच्चों पृथ्वी को अनोखा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर जीवन संभव है, क्योंकि इस पर जीवन संभव है इसलिए हम इसको अनोखा ग्रह कहते हैं। और इस पर आपने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य और ज़मीन के अंदर रहने वाले, पानी के अंदर रहने वाले,
इसके अतिरिक्त आकाश में आसमान में उड़ने वाले सभी प्रकार के भिन्न जीवों को देखा होगा, तो हम इसको अनोखा ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों की सहायता जैसे गोल है, आर्ट, गोला, ध्रुव, स्थे, ये सब आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स करने। पृथ्वी के दो इसमें आएगा ध्रुव हैं, दो ध्रुव, तो ध्रुव पर नंबर एक लिख देंगे कच्ची पेंसिल से और इसमें भर देंगे। सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है, स्थिर दूसरे में आएगा। सूर्य गर्म गैसों का बड़ा गोला गोला है। सौर मंडल में आठ ग्रह विद्यमान है, आठ आएगा। पृथ्वी का आकार गोल है। बच्चों जो भी इसमें आप दिखाई दे रहा है उसको आप आसानी से ये जो वर्ड हैं वन बाई वन करके इस फिलिंग द ब्लैंक्स कर सकते हैं और नंबर लिख सकते हैं। ट्रू फॉल्स, सही पर सही का चिन्ह लगाएं, गलत पर क्रॉस लगाएं, सही पर राइट का चिन्ह लगाएंगे। पृथ्वी दोनों सिरों पर चपटी है, बिल्कुल सही है। ब्रैकेट जो दिया इस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। पृथ्वी हमें गोल दिखाई देती है, राइट है। पृथ्वी के चारों ओर 100 किलोमीटर मोटी वायु की परत है, ये रोंग है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है 400 किलोमीटर की परत होती है। बच्चों ये कितने किलोमीटर की होती है, 400 किलोमीटर की होती है, 400 किलोमीटर की परत है, तो ये 100 आपका गलत है। यहाँ पर इसको आप रोंग लगें, क्या आएगा, रोंग, क्रॉस का चिन्ह लगा दें। आगे बढ़े, पृथ्वी को एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव है, सही है एकदम। पृथ्वी का एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव है, दूसरा दक्षिण ध्रुव है, तो इस पर आप सही का चिन्ह लगाएंगे। वह स्थान जहाँ आकाश और पृथ्वी एक साथ मिलते दिखाई देते हैं उसको क्षैतिज कहलाता है, एकदम सही। यहाँ पर दूर आप तक देखेंगे, आपकी नज़र जहाँ तक जाती है वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको पृथ्वी और आकाश, आसमान जो ऊपर होता है नीले रंग का, वो मिलता हुआ दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं कि जिसको नाम दिया जाता है क्षितिज। क्या नाम दिया जाता है, क्षितिज, जो एकदम सही है। यहाँ पर आप सही का चिन्ह लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग द वर्ड, मिलान करना है, जो ये सेंटेंस दिए गए दोनों तरफ मिलान करेंगे। कुछ मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, पृथ्वी का आकार कैसा होता है, आप सभी जानते हैं, वीडियो में कई बार मैंने बोला है कि ये गोल होता है। पृथ्वी कैसी है, गोल होती है। नील आर्मस्ट्रांग द्वारा अंतरिक्ष, अभी आप इसमें जब देखेंगे तो इसमें आप देंगे नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा की यात्रा की थी, ठीक है बच्चों, चंद्रमा की यात्रा की थी, तो आप यहाँ पर लगा देंगे नील और मिस्ट्रांग द्वारा 1969 में चंद्रमा की यात्रा की, चंद्रमा की यात्रा। मैगलेन द्वारा आप देख सकते हैं बुक में, और यूरी गगरिन द्वारा, मैगलेन द्वारा इसमें क्या किया गया था बच्चों, देखिए मैगलेन द्वारा यह आप दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं आप कि उस मैगलेन द्वारा पृथ्वी बताई गई थी कि पृथ्वी गोल है। मैगलेन ने क्या बताया बच्चों, मैगलेन ने 1539 में पृथ्वी की समुद्र यात्रा की। यूरी गगरिन द्वारा 1961 में अंतरिक्ष यात्रा की। वनस्पति का जन्म लगभग 10 खरब वर्ष पूर्व हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कितनी पुरानी है, और सबसे पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, तब वनस्पतियां हुई होंगी, तब पेड़ पौधे हुए होंगे, तब जीव जंतु पैदा हुए होंगे, तो उसकी लगभग जो उम्र बताई है कि 10 खरब, अंदाज़ा लगा सकते हैं तो पृथ्वी का निर्माण कब हुआ होगा। बच्चों इसमें प्रोजेक्ट दिया हुआ है, देखिए सौरमंडल का ग्रहों सहित चित्र बनाकर तथा सभी ग्रहों के चित्रों के नीचे उनके नाम भी लिखें। इस ये प्रोजेक्ट वर्क है, इसमें आपको मैं अभी वीडियो में बता रहा हूँ कि कौन सा चित्र बनेगा बच्चों, इसमें ये चित्र आपका बनना है, इस चित्र को आप बनाएंगे और ऐसे ही इसमें नाम लिखेंगे, जिससे आपको जानकारी हो जाएगी कि हमारे ग्रह जो हैं आठ हैं और आठ ग्रह किस तरह सूर्य की कक्षा में उपस्थित हैं। तो इस चित्र को देख रहे हैं आप, वीडियो में आप देख रहे हैं, इस चित्र को आप इस जगह बनाएंगे, कच्ची पेंसिल से बनाना होगा, तब ये आपका लेसन कंप्लीट होगा। ये सभी क्वेश्चन आपको वीडियो में भेज दिए गए हैं और आंसर इनके बोले गए हैं, किंतु अगर कोई भी फिर प्रॉब्लम आती है तो आप अपने पेरेंट्स से
या घर में जो भी आपसे बड़े हैं उनकी हेल्प लेकर के इस लेसन को कंप्लीट करें। सबसे पहले इसको पेंसिल से भरें, उसके बाद इसको जो है रफ कॉपी में उतारें, रफ से बाद में उसको फेयर करें। इस तरह आपको ये वर्क करना होगा। आज ये आपका SST में लेसन नंबर 1 SST में लेसन नंबर 1 क्वेश्चन सहित कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो देखें, जिनके पास फ़ोन नहीं है वो दूसरे बच्चों की भी हेल्प करें, जिससे सभी बच्चों के पास स्कूल का वर्क बराबर पहुंचता रहे। तो और ये चित्र बना करके आप फोटो व्हाट्सएप पे भी सेंड करें, जिससे ये हो जाए कि हाँ आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। थैंक यू।